यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के लिए लोगों के पास तर्क नहीं है, इसलिए अब कुतर्क कर रहे हैं। कह रहे हैं जी हमारी धार्मिक मान्यताओं में इंटरफेयर हो जाएगा। अरे भैया, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है। जब ये रिलीजियस कोड नहीं है तो धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कैसे हो जाएगा? और पहली बात ये संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अधर्म की स्वतंत्रता नहीं देता। ये प्रेम करने की स्वतंत्रता देता है, नफरत करने की स्वतंत्रता नहीं देता। ये अहिंसा की आजादी देता है, हिंसा की आजादी नहीं देता। इसी तरीके से ये ईमानदारी से रहने की आजादी देता है, चोरी करने की आजादी नहीं देता। कल को आप कहेंगे कि जी हमारे तो किताब में लिखा हुआ है कि काफिरों की हत्या कर दो, इसलिए हमारे ऊपर 302 नहीं लगना चाहिए। ये कोई लॉजिक है क्या? और वैसे भी पाखंड देखिए, किताब में लिखा है ब्याज लेना हराम है, लेकिन सबका बैंक में खाता खुला हुआ और बैंक से ब्याज ले रहे हैं। किताब में लिखा है मुफ्त में खाना हराम है, लेकिन मुफ्त में राशन भी ले रहे हैं, मुफ्त में मकान भी ले रहे हैं, मुफ्त में दुकान भी ले रहे हैं, मुफ्त में वजीफा भी ले रहे हैं। दुनिया भर की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो मुफ्त वाली चल रही है, राज्य सरकार की योजनाएं मुफ्त वाली चल रही है, वो हराम नहीं है। इसलिए यूसीसी के ऊपर जिस तरीके का कुतर्क आ रहा है, मुझे लगता है इसको देश को समझना चाहिए। और जहां तक बात यह है कि यूसीसी से होगा क्या? शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी ना, कहां गया इसमें रिलीजन? अगर किसी की 9 साल है, किसी की 18 साल है और सबकी 18 हो जाएगी तो कहां दिक्कत कहां आ गई? अगर ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका एक समान हो जाएगा, अगर बचपन के आधार पर तलाक होगा तो सबका होगा, नपुंसकता के आधार पर होगा तो सबका होगा, कोड होने पर होगा तो सबका होगा, कहां से आ गया इसमें रिलीजन? अगर प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, सबका पहले मीडिएशन होगा, यानी पहले आपस में पंचायत होगी और पंचायत से बात नहीं बनेगी, फिर कोर्ट में मामला जाएगा और कोर्ट के जरिए सबका होगा, इसमें समस्या क्या है? कोई जरूरी है कि व्हाट्सएप पे तलाक हो, ईमेल पे जरिए हो, कुरियर पे हो? भाई तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया आज भी चल रहा है। ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं और ये चारों व्हाट्सएप से होते हैं, ईमेल से होते हैं, कुरियर से होते हैं, रजिस्टर्ड कोर्ट से होते हैं। तो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। गुजारा भत्ता गुजर बसर करने के लिए मिलता है कि भाई ठीक है, अगर शादी टूट गई तो कम से कम जो लड़की है या अपने मान लो उसको बच्चा भी है तो वो आराम से गुजर बसर कर सके। तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा तो इसमें मजहब कहाँ से आ गया? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को तो गुजारा भत्ता मिलता है, वहां तो कोई नहीं कह रहा है जी हमारा धर्म खतरे में है। अगर मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता मिल जाएगा तो इससे मजहब कहाँ से खतरे में आ जाएगा? इसी तरीके से अगर गोद लेने का अधिकार मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा, कहाँ से इसमें रिलीजन खतरे में आ गया? अगर कोई कमी है, चाहे वो पति में कोई कमी है या पत्नी में कोई कमी है, किसी भी कारण से अगर बच्चा नहीं होता तो दूसरी शादी क्यों करना, सौतन क्यों लाना घर में? अरे बच्चा गोद ले लो, भारत में इतने गरीब बच्चे हैं, इतने अनाथ बच्चे हैं, उनको भी माता पिता की जरूरत है, बच्चा गोद ले लो, क्या दिक्कत है इसमें? अगर विरासत का एक समान अधिकार हमारी मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा तो मजहब कहां से खतरे में आ जाएगा? वसीयत का एक समान अधिकार हमारी मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा जैसा हिंदू बेटियों को है, कहां से इसमें रिलीजन खतरे में आ जाएगा? अगर एक पति एक पत्नी का नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा, मुस्लिम बेटियों पे भी लागू हो जाएगा, कहां से इसमें रिलीजन खतरे में आ गया? अगर हम दो हमारे दो लागू हो गया सबके लिए तो अच्छी बात है ना। जो बेटियों की तबीयत खराब हो जा रही है, स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है, 10 बच्चे 12 बच्चे 15 बच्चे, अरे हम दो हमारे दो लागू होगा, छोटा परिवार, सुखी परिवार, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार खुशहाल रहेगा, कमाई कम भी होगी तो भी बढ़िया परिवार चलेगा, हा? इसमें दिक्कत कहां से है? अगर देश की सभी बहन बेटियों को माता पिता का देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, इसमें रिलीजन कहां से खतरे में आ जाएगा? मुझे लगता है कि इस समय जो पाखंड हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के नाम पर, और खास तौर पर उन सांसदों और विधायकों के द्वारा जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है और शपथ लेते समय यह कहा है कि मैं संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा, संविधान में लिखी हुई एक एक बात को मैं मानूंगा, संविधान में लिखी हुई एक एक बात के जो जितने आर्टिकल्स हैं उसी की अकॉर्डिंग मैं बिहेवियर करूंगा, संविधान में प्रियम्बल में जो गोल्डन गोल है इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, उसी के अनुसार मैं व्यवहार करूंगा। और आज वो पर्सनल लॉ के साथ खड़े हो गए जो अंग्रेजों ने बनाया था, जो भेदभावपूर्ण है,
जो महिला को सेकंड क्लास सिटीजन मानता है, महिला और पुरुष को बराबर मानता ही नहीं। इन अंग्रेजी जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था इस देश को, इस देश में सुधार के लिए नहीं बनाया था, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था इस देश को डिवाइड एंड रूल के लिए बनाया था। मुस्लिम हिंदू को बांटने के लिए उन्होंने मुस्लिम्स का अलग कानून बना दिया, हिंदुओं का नहीं बनाया, मुस्लिम्स का अलग बनाया 1937 में। अंग्रेजी कानून से इतना प्यार क्यों है? एक तरफ कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, संविधान का मतलब होता है संविधान, समान विधान, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमको पर्सनल लॉ चाहिए, शरिया चाहिए, जो हमेशा भेदभाव करता है, जो महिला पुरुष को समान मानता ही नहीं। एक तरफ कहते हैं जी हम तो लोकतंत्र को मानते हैं, अब लोकतंत्र को मानते हैं और ला कमीशन सबसे सजेशन मांग रहा है तो वहां अपना ओपिनियन देने नहीं जा रहे। लोकतंत्र में सब ओपिनियन से काम होता है ना, सबकी ओपिनियन होती है, उसके बाद बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। और वैसे भी जो बात संविधान में लिख दी गई, एक बार संविधान में नया अमेंडमेंट हो तो बात समझ में आती है, भैया ठीक है अलग अलग राय हो सकती है। संविधान में कुछ नया जोड़ा जा रहा हो तो भी समझ में आता है कि भाई ठीक है सबकी अलग अलग ओपिनियन है। यहां तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को खत्म करना है और संविधान में लिखी हुई बात को लागू करना है, इसका इस तरीके से विरोध, और विरोध करने के नाम पे बहाने भी कैसे कैसे, गजब गजब बहाने। कह रहे जी हमारा पर्सनल लॉ हमें इंटरफेयर नहीं है। अगर पर्सनल लॉ में इंटरफेयर नहीं है तो चोरी करने पर हाथ कटवाना है क्या, रेप करने पर लिंग कटवाना है क्या, मर्डर करने पर गला कटवाना है? नहीं, वो नहीं चाहिए। मर्डर करने पे गला नहीं कटवाना है हमको, तो बाकायदा आईपीसी चाहिए और बाकायदा गवाहों के बयान भी होना चाहिए और आजीवन कारावास चाहिए, फांसी नहीं चाहिए। चोरी करने पे हाथ नहीं कटवाना है, केवल 3 साल सजा चाहिए। तो ये पाखंड है, जरा पाखंड देखिए किस तरीके का पाखंड चल रहा है। इंडियन टैक्स कोड अच्छा है जहां ब्याज मिल रहा है, इंडियन बैंकिंग कोड अच्छा है कि बैंक में खाता भी खुले और पैसा रखूं तो ब्याज भी मिले, जबकि ब्याज हराम है। और सभी मंत्रालयों का लाभ चाहिए, वित्त मंत्रालय से भी लाभ चाहिए, कृषि मंत्रालय से भी, हर महीने जो 3-3 महीने किसान समृद्धि किसान सम्मान निधि आ रही वो भी चाहिए, बेरोजगारी भत्ता भी चाहिए, खाद्य मंत्रालय से मुफ्त में राशन भी चाहिए, शहरी विकास मंत्रालय से मुफ्त में मकान भी चाहिए, तो वो सब चाहिए, वजीफा चाहिए, मुफ्त में कपड़ा चाहिए, मुफ्त में राशन चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, हुनर चाहिए, मुफ्त में शिक्षा चाहिए, सब चाहिए मुफ्त में। वहां वहां पे नहीं कहेंगे नहीं 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 हमारा हमारा ये रिलीजन कहता नहीं, ये नहीं हमें नहीं चाहिए, ये हराम है। और पर्सनल लॉ में केवल मुस्लिम बहन बेटियों को दबाए रखने के लिए, बहन बेटियों को जहां बराबरी का अधिकार देना है करें नहीं, हमारा तो रिलीजन खतरे में आ रहा है। ये पाखंड है, इस पाखंड को भारत जान गया है, अब इसको भारत नहीं मानने वाला है, युवा अच्छी तरीके समझ गया है। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग संविधान की शपथ लेके इस तरीके का जो विरोध कर रहे हैं, आर्टिकल 44 का विरोध कर रहे हैं, या लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, संसद में इस पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या संविधान में लिखी हुई बात और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 44 बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल। आर्टिकल 44 बेसिक स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबके लिए कानून एक समान होगा। आर्टिकल 15 में कह रहा है जाति धर्म भाषा क्षेत्र लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में कह रहा है सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 21 कह रहा है एक समान सबको सम्मान मिलेगा। आर्टिकल 25 कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता है अधर्म की नहीं। आर्टिकल 29 कह रहा है रीतियों की स्वतंत्रता है कुरीतियों की नहीं, प्रथा की स्वतंत्रता है कुप्रथा की नहीं। इसके बावजूद जो सांसद और विधायक आर्टिकल 44 के बारे में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, इनकी जो है सदस्यता खत्म होनी चाहिए, तभी इनको सबक मिलेगी।